भगवान महावीर का जीवन उठा के देख रहे हैं।
राज परिवार के अंदर जन्म लिया, सब कुछ उसके पास था भगवान के पास, लेकिन जब संयम के लिए निकले, जंगल में जब निकले तो अकेले क्या करेंगे, अकेले निकले, अकेले साधना किया तो उनको सब कुछ क्या हुआ है, प्राप्त हुआ है। जब हम संसार की वस्तुओं को त्यागते हैं, त्यागना जानते हैं, तब हम सुखी हो सकते हैं। मैं सुखी हो जाऊंगा, जैसे जैसे उसके पैसे बढ़ गए उसके शरीर के अंदर बीमारी बढ़ गई। क्या बढ़ गई? बीमारी बढ़ गई। डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर के पास गए, इलाज किया, लेकिन जैसे जैसे इलाज किया उसकी बीमारी क्या कर गई, क्यों जो बीमारी किया क्यों क्यों उनकी बीमारी क्या करती रही, बढ़ती रही। राधानंद ने सोचा मेरे पास सब कुछ है, लेकिन आज मेरे तन के अंदर क्या भी बीमारी आ गई, क्या किया जाए। इतना मैंने डॉक्टर को दिखाया, इतना वैद्यों को, चिकित्सकों को, बड़े बड़े डॉक्टरों को दिखाया, लेकिन मेरी ठीक क्या हुआ, इलाज किया, रोग बढ़ता गया बढ़ता गया। अब आखिर के अंदर क्या करूं, चिंतन कर रहा, मनन कर रहा। किसी अनुभवी व्यक्ति ने कहा, राफेलर अगर आपके शरीर को ठीक करना है, स्वास्थ्य अगर ठीक होना है, तो आपको एक काम करना पड़ेगा। बोला जो बोलोगे मैं क्या करूंगा। अब जिसको तकलीफ है, जिसको कष्ट है शरीर के अंदर, वो तो दुनिया की कुछ भी वस्तु प्राप्त करने के लिए क्या हो जाए, तैयार होगा। क्योंकि पता है ना, शरीर अगर पहला सुख निरोगी काया, हमारा शरीर ठीक है तो दुनिया क्या है, अपनी है। अगर शरीर ही ठीक नहीं तो दुनिया अपनी होते हुए भी अपनी क्या करती है, लगती नहीं है। एक अनुभवी डॉक्टर ने कहा, राफेलर तुम ठीक हो सकते हो, लेकिन एक उपाय करना पड़ेगा। बताओ क्या उपाय करें। आपको सब कुछ छोड़ करके जंगल में जाना पड़ेगा। राफेलर ने कहा, अगर आप कहते हो मैं ठीक हो जाऊंगा, तो मैं जंगल में जाने के लिए भी क्या हूं, तैयार, मैं बिल्कुल रेडी हूं। तो छोड़ करके जंगल में जाकर के साधना करने लगा। जंगल में रहा, प्रकृति का जो नजारा है, बहुत बार ऐसा होता है कि जंगल में प्रकृति के द्वारा रूप अपने आप क्या हो जाते हैं, वहां का जो वातावरण है, वहां का जो एटमॉस्फेयर है, वहां का जो कल्चर है, वहां की जो प्योर जो हवा है, जो हमारे शरीर के लिए बहुत लाभदायक है। जंगल में गया, आपने देखा होगा जंगल में जो जानवर होते हैं, चाहे बंदर है, चिड़िया है, कबूतर है, जो भी अन्य जानवर प्राणी है, वो कौन से डॉक्टरों को दिखाते हैं, बीमार हो जाते हैं, स्वयं हेव अपने आप क्या हो जाते हैं, ठीक हो जाते। राफेलर जंगल में गया, रहने लगा, उस समय व्यतीत हो गया, उसका स्वास्थ्य अपने आप धीरे धीरे क्या हो गया, बदलता गया, कुछ ठीक होने लगा, बड़ा आराम महसूस कर रहा, मन के अंदर सुकून मिल रहा। मुझे शहर में रहकर के इतना आराम नहीं मिला जितना मुझे जंगल में क्या कर रहा है, मिल रहा है, बड़ा प्रसन्न हुआ, मन के अंदर बड़ी खुशी है, बहुत प्रसन्न है। मैं जंगल में आकर के अपने स्वास्थ्य को क्या कर रहा हूं, ठीक कर रहा, शहर को भूल गया, परिवार को भूल गया, धन संपत्ति को भूल गया, बस अब मुझे यहीं पर रह करके ही साधना करनी है, जंगल में रहना है, बस ध्येय यही था कि मेरा स्वास्थ्य क्या हो जाए, ठीक हो जाए। जिसको तकलीफ होती है, जिसको बीमारी होती है, वो सब जगह जाएगा, सब जगह देखेगा, कैसे ही हो मेरा स्वास्थ्य क्या हो जाए,
ठीक हो जाए। ऐसे जैसे समय व्यतीत हुआ, 10 दिन व्यतीत हुए, 15 दिन व्यतीत हुआ, 1 महीना व्यतीत हुए, 2 महीने व्यतीत हो गए, उसका स्वास्थ्य बिल्कुल क्या हो गया, ठीक हो गया। बड़ा खुशी, बड़ी प्रसन्नता है मन के अंदर कि संसार की दौलत को मैंने कमाया, लेकिन मुझे मेरे शरीर के अंदर क्या मिली, मुझे तकलीफ मिली, और आज मैं जंगल में आया हूं और मेरा शरीर क्या हो गया, ठीक हो गया। समय आने पर उस राफेलर ने सबसे बड़ा उद्योगपति ने एक किताब निकाली, उस किताब के अंदर उसने लिखा, मैंने सब अपने आप आने वाले बनेंगे, इतना आप त्याग होगे, इतना आप संसार की वस्तुओं का त्याग करोगे, चाहे क्रोध है, चाहे मान है, चाहे अभिमान है, संसार की वस्तु है, इतना आप त्यागना जानते हो, उतना ही आपको क्या मिलेगा, प्रसन्नता मिलेगी, सुखी मिलेगी, और आप इतना बटोरते जाओगे उतना आपको क्या मिलेगा, कष्ट मिलेगा, तकलीफ मिलेगा। इसलिए सज्जनों, जीवन के अंदर हमेशा हमेशा ये कोशिश करें, जो मिल रहा है कुछ ना कुछ हम क्या करें, हम दान देना, क्या करना, छोड़ना, अगर जितना हम छोड़ेंगे उतना ही हमारे जीवन के अंदर क्या मिलेगी, प्रसन्नता मिलेगी, सुख खुशी मिलेगी। इसलिए जीवन के अंदर भगवान महावीर ने कृपा किया, संसार की जो काम भोग है हमको क्या करना है, छोड़ना है। जिया कंत पिए हुए लते विपति को गए, जो व्यक्ति संसार की वस्तुओं को, पदार्थों को छोड़ता है, वास्तव में क्या होता है, वो सुखी बनता है, सुखी वही होता है जो त्यागेगा। त्यागने वाला व्यक्ति, त्यागने वाला इंसान हमेशा हमेशा अपने जीवन के अंदर खुशहाली प्रसन्नता को आगे बढ़ते बढ़ते अपने जीवन को क्या करता है, आगे बढ़ाता है। अपने जीवन के अंदर यही सोचे, यही कल्पना करे, हमें जो वस्तु मिल रहा है त्यागते रहेंगे, त्यागते रहेंगे, त्यागते रहेंगे, और धर्म की वस्तुओं को, धर्म ध्यान को हमको क्या करना है, बढ़ाना है, और बढ़ाते रहेंगे उतना ही हमारे जीवन के अंदर क्या मिलेगा, खुशी प्रसन्नता खुशहाली जीवन के अंदर बढ़ता रहेगा व्यक्ति के जीवन के अंदर। साधना यही है, हम सामाय करते हैं, जाप करते हैं, संसार की वस्तुओं के लिए नहीं करेंगे, बल्कि आत्म कल्याण के लिए हम क्या करेंगे, संसार की वस्तुओं को छोड़ करके जो हम आत्म कल्याण के रास्ते में चले हैं उसको ही हम अगर सफल बनाएंगे तो हमारा जीवन यहाँ भी सुखी होगा और परभव में सुखी होगा। समय हो चुका है, अपने भक्त को यही को विराम देता हूँ। बोले भगवान महावीर स्वामी की। शांति और आनंद का
सर्वप्रथम अनंत अनंत आस्था की आयाम शासन के महाप्राण श्रवण भगवान महावीर स्वामी कृपावन चरणारविंद में आचार्य भगवान उपाध्याय भगवान एवं आराध्य गुरुदेवों के श्री चरणों में कोटि वंदन करने के पश्चात चतुर्मास कल्प जागृति का संदेश देकर कि आप और हमारे समक्ष उपस्थित हुआ हम तीर्थंकरों की धरती ऋषियों की धरती मुनियों की धरती आपका पुरुषों की मार्गदर्शन के आधार पर अपने जीवन को आगे बढ़ाने वाले उस धरती के नागरिक हैं। यहाँ के ऋषियों ने यहाँ के मुनियों ने यहाँ के उन महापुरुषों ने जीवन कैसे जीना है घर में रहते हुए परिवार में रहते हुए काम धंधा संसार को देखते हुए भी शांति से किस ढंग से अपने जीवन को आगे बढ़ाना है ये मार्ग दिया और उसके आधार पर जो चले बड़े आनंद से अपने जीवन को यापन किया। आप जो बुजुर्ग है बड़ी उम्र में तक 50-60 वर्ष की 48 साल की उम्र लगभग हो गई वो लोग जानते हैं पहले हमारे भारत वर्ष में संयुक्त परिवार हुआ करते एक ही चूल्हे के अंदर 30-40 या 50-50 लोगों का भोजन रहने के लिए घर छोटा है लेकिन एक बाप के 5 या 7 बेटे बेटों की शादियां हो गई और उनके बच्चे भी हो गए और परिवार बढ़ता चला गया। ऐसा होने के बावजूद भी कहीं पर टकराव नहीं कहीं पर खटपट नहीं अगर मान लो कहीं थोड़ा बहुत खटपट मान लो पति और पत्नी में ऐसा कुछ खटपट हो रहा या और आपस में उनकी मुंह बोली बंद हो रही है ऐसा आवाज अगर एक बड़े को पिता को या सास को या दादी माँ को पता चल जाए उनको बुला कर की बहू है उसको बुला करके बड़े प्यार से बेटा ऐसा जीवन नहीं चलता ऐसा काम नहीं चलता आप घर छोड़ करके यानी अपने जन्म देने वाली माता जन्म देने वाले पिता और एक वो छोड़ करके वहां पर आई यहाँ पर आई हो और ये जिंदगी यहाँ पर गुजारना ही यहाँ पर आगे बढ़ाना ही मुंडे मुंडे मंदिर भिन्ना सभी के विचार पेन से लिखते हुए अगर स्याही लीकेज हो जाए और यह ब्लॉटिंग पेपर एक साथ में हुआ करता था और ये उस नोटबुक में स्याही अगर पेन से लीकेज हो गई यानी स्याही गिर गया और वो ब्लॉटिंग पेपर वहां पर डाल के तुरंत उस स्याही को इधर उधर फैलने से या खराब होने से वहीं पर ये रोक लिया जाता था इसी तरह से और ब्लॉटिंग पेपर की तरह बन करके स्याही सोखने वाले पेपर की तरह बन करके चलो चलता है शांति से संभाग के साथ अपने जीवन को जीना है ऐसा बेटा ऐसा नहीं करना है उनको समझाया और उसको और इसी तरह से अगर बेटे से कुछ खटपट है पिता के द्वारा या दादा के द्वारा बुला करके देखो और पराए घर से तुम्हारे लिए अपना सर्वस्व मान करके तुम्हारे लिए आई है अपने माता का प्यार अपने पिता का प्यार अपने घर का दुलार और वहां का छोड़ करके यहाँ पर आई है और कुछ बात और वो भी गई तो और उसको चलो जाने दो छोड़ो उसको उसमें मन में या और दिमाग में उसको ना लेकर के शांति के साथ अपने जीवन को आगे बढ़ाना बेटा ऐसा नहीं करना और ये बड़ों ने कहा और ये छोटे तुरंत उसको स्वीकार कर लिया अनमन नहीं शांति के साथ संभाव के साथ अपने जीवन को आगे बढ़ाते ये हमारा भारत देश हमारी भारतीय संस्कृति और ये इस तरह से
आप लोग सामायिक करते हैं 48 मिनट के लिए सामायिक करते हैं। सामायिक का मतलब सम आपकी प्राप्ति, सम सम आय इक, सामायिक सम जमा आय जमा इक, यानी कि सामायिक जिस क्रिया के करने से संभाग की प्राप्ति हो, जिस क्रिया के करने से 18 प्रकार के पापों का विसर्जन हो, उतने देर के लिए साधु नहीं तो साधु के समकक्ष अपनी त्याग प्रवृत्ति हमारे जीवन की तरफ आगे बढ़ जाए। आज किया, कल किया, वर्षों से करते आ रहे हैं, ऐसा करते करते और जीवन में संभाव की प्राप्ति हो। अगर विषम भाव उपस्थित होने पर भी सुखे दुखे समाकृतो लाभा लाभो जया जयो, चाहे सुख हो चाहे दुख हो, हर परिस्थिति में अपना संतुलन अपना बैलेंस बनाकर के चलने की कला अभ्यास, उसका नाम है सामयिक। और करते करते दुकान में भी बैठते हुए भी सामयिक हो सकती है, और तो क्या बाथरूम में स्नान करते हुए भी देखा हो सकती है, सामयिक हो सकती है। प्रश्न यहाँ पर उठ सकता है, वहाँ पर तो कच्चे पानी का उपयोग हो रहा है और ये स्नान कर रहे हैं, शरीर की शोभा उसको बढ़ा रहे हैं, वहाँ पर सामायिक कैसे हो सकती है? यानी कि संभाव वहाँ पर रहते ये भी हर परिस्थिति में अपने आप को अति शांत रखना, संभाव में रखना, उसको कहते हैं भाव सामायिक। एक होता है द्रव्य सामायिक, जो आप लोग सामायिक लेकर के बैठे हुए है, और दुकान में रहते हुए भी आपकी सामायिक हो सकती है। स्वामी रायचंद जी और जब कुछ अपराध का व्यवहार करते थे, किसी व्यापारी से हीरे का पर्चे बिल हो गया, यानी कि भाव तय हो गया, कितना माल लेने की और ये कितना लेने की बात हो गई, तो और महात्मा गांधी उस समय वहां पर आए हुए थे, और उन्हीं दिनों में हीरे का इतना उछल गया बाजार में इतनी तेजी आ गई। तो अगर उस समय और वो पैसा अदा करने लग जाए या कोई हीरा देने लग जाए जिससे व्यापार से करार हुआ था व्यापारी से, और उसकी दुकान भी बिक जाए, सारा माल भी बिक जाए, तो भी पर्दे क्या हो जाए और चुकता न कर सकी, इतना बाजार के अंदर तेजी आ गई। तो रायचंद घर में परिवार में रहते हैं, बचपन से ही और उनको जाति स्मरण ज्ञान हो गया था। 8 साल की उम्र में उन्होंने 5000 श्लोकों के पद्य रचना की थी। 9 साल की उम्र में तो महाभारत और ये रामायण जैसे ग्रंथों का भी और उन्होंने क्या किया था, पद्य अनुवाद के रूप में, यानी कि जाति स्मरण ज्ञान होने के कारण पूर्वपक्ष ज्ञानावरणीय कर्म के 6 वसम के कारण ऐसा बड़ा त्याग में प्रमाणित उनका जीवन था, और जिससे करार हुआ था, जिस व्यापारी से उनके पास चले गए और जाकर कहता है कि मैंने जो वायदा किया थी उसको, चाहे कुछ भी हो वायदे को मैं पूरा करूंगा, आप निश्चिंत रहिए, मैं ये नहीं पूछ रहा हूँ आप वायदा पूरा करोगे या नहीं करोगे, मैं तो ये पूछ रहा हूँ वो कागज कहाँ। उसने कागज निकाल कर उसको दिखाया, और स्वामी रायचंद बाद में स्वामी हो गए, और ये व्यापारी जोहरी रायचंद उन्होंने उस कागज को फाड़ करके और नाली के अंदर एक उसको डाल दिया, और वो अगला व्यापारी हैरान आश्चर्य की आप ये क्या कर लिया आपने, और ये जो एक इंसान को करना चाहिए वो ही किया है। रायचंद दूध पी सकता है लेकिन खून नहीं पी सकता है, और ये बाजार में अगर भाव
इतना उछल गया और इसका मतलब नाजायज फायदा उठाने के लिए चलना और ये मेरा काम नहीं, मैं सामायिक करता हूँ, मुझे दुकान में भी आश्चर्यचकित महात्मा गांधी की यार व्यापार के अंदर की इतनी प्रमाणिकता, इतनी सच्चाई, इतनी ईमानदारी और अगले का ख्याल और पढ़ना सुनना केवल मनोरंजन के लिए नहीं, हमारे जीवन में, हमारे आचरण में, हमारे व्यवहार में वो बात उतर करके आनी चाहिए और उस आधार पर ये अध्ययन या ये प्रवचन होते है, सुन करके जीवन में मोड़ आए, परिवर्तन आए और जीवन आचरणशील होकर के आगे बढ़ने वाला बने। तो हमारा ये भारत वर्ष ऋषि और मुनियों का और वो संदेश लेकर के चलने वाला देश, यहाँ पर विषमता और कटुता इस तरह की भाव बहुत कम, परिवार संयुक्त परिवार होने पर ही आनंद के साथ अपना जीवन यापन करते ही चल रहे थे। परिस्थिति बदल गई, समय बदल गया, मेघालय ने जो अंग्रेजी शिक्षा को 1802 फरवरी 1835 ब्रिटिश पार्लियामेंट के अंदर जो मेघालय ने जाकर के वहां पर बयान दिया था, मैं भारत वर्ष की पूर्व से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण लंबे समय तक वहां पर रह करके देखा हूँ, अनुभव किया हूँ, ऐसा विरासत वाला देश, उस देश को गुलाम करना विषय वस्तु बनाकर की पढ़ाने का और शिक्षा देने का उपक्रम चलते 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 और किस तरह से भारत वर्ष को उन्होंने गुलाम बनाया, कितना यहाँ की खजाने को लूट करके वो लेकर के चले गए। आज अंग्रेजों के गए हुए 75-76 वर्ष का लंबा पीरियड हो गया है, लेकिन तो भी आज उन्हीं की गुलामी बजा करके हम उन्हीं की नकल करके उन्हीं के पद चिन्हों पर चल करके अपने आप को सभ्य कहलाने का प्रयत्न करते ही नहीं, हमारे उन तीर्थंकर भगवंतों ने, उन ऋषियों ने, उन मुनियों ने ऐसा कुछ दिया है, हम अगर गहराई में जाकर के उसको पढ़े, उसको समझने का प्रयत्न करें तो हमको पता लगे कि हम तो अंधेरे के अंदर ये क्या कर रहे हैं, भटक रहे हैं और यहाँ की विरासत, यहाँ की संस्कृति को आनंददायक शादी होकर के घर गई हुई लड़की लौट करके आई थी और माँ के पास बैठ कर के वार्तालाप चल रही थी। बेटी ने माँ से पूछा, माँ आप कैसी हैं, ठीक तो हैं? हाँ बेटी, मैं ठीक हूँ, अच्छी हूँ और सब तरह से आनंद मंगल है, लेकिन अब तूने ये बात पूछा किस ढंग से, इसलिए ये बात को पूछा तो वो कहती है और बेटी कहती है कि माँ सुना है आप और भाभी के विचारों में तालमेल नहीं बैठ पाता है। हाँ बेटा, ये बात तो सही है, हम एक ही परिवार के, एक ही खून और एक ही माँ के जाए हुए तो हम नहीं है, और उसका जन्म कहीं और हुआ है, मेरा जन्म कहीं और हुआ है, और वो पढ़ी लिखी है और वो नौजवान है, मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ, मैं बुजुर्ग अवस्था को प्राप्त हुई हुई हूँ और साथ साथ में और वो बड़े घर की यानी समृद्ध संपन्न धनाढ्य परिवार के नाते विचारों के अंदर भिन्नता होना ये तो स्वाभाविक बात है, विचारों की भिन्नता रहती है, लेकिन मैं और उसको उस तरह से लेती नहीं है, शांति के साथ और मैं सब घर का काम व्यवस्थित रूप से कर लेती हूँ और सबको खिलाने के बाद खाना खाती हूँ, बहुत और जो वस्त्र देती है, कपड़ा देती है, चाहे नया हो चाहे नया पुराना हो, और उसको मैं पहन लेती हूँ और
अर्थ है मैं सब काम करती हूँ इसलिए नौकरानी का फर्ज है क्या हो जाता है बच जाता है। और मैं अगर बाई चांस कहीं किसी बात में वो नौजवान है पढ़ी लिखी है बड़े घर की धनाढ्य परिवार की है और उस आधार पर अगर वो गर्मी के लिए खा जाती है और ये कुछ आपे से बाहर होकर के बोलने लगती है तो मैं सुन लेती हूँ। मैंने और इस घर की अपने आप को एक नौकरानी के रूप में मैंने अपने आप को स्थापित किया है नौकरानी को तो सुनना ही पड़ता है इसलिए मैं उसको सुन लेती हूँ और ये ऐसी कोई बात नहीं। बेटी कहती है माँ आपकी चार चार बेटियां आपने चारों की चारों बेटियों को उसकी शादी कर दी और चारों संपन्न परिवार के अंदर है सभी का चारों का बेटियों का आपकी बेटियों का जीवन यानी हमारा जीवन सुखद है आनंद मंगल है ऐसे नौकरानी के रूप में यहाँ पर रहो और आप एक काम करो आप चलो हमारे साथ दो चार महीना मेरे साथ रहना दो चार महीना दूसरी बहन के साथ ऐसा आराम के साथ आपका जीवन यापन हो जाएगा। नहीं बेटा ये काम मैं कभी करने वाली नहीं और तेरे पिता का दिया हुआ बहुत कुछ है इस घर में किसी बात की कमी नहीं है बहुत कुछ इस घर में है और अभी तो बेटा है और बहू है और ये समय समय पर अगर फुर्सत होता है तो बेटा आता है पूछता है माँ कैसी हो और ये बात के अगर मान लो बेटा नहीं भी होता और घर में अगर समृद्धि होती तो मैं किसी नौकर को या किसी नौकरानी को रख करके अपने घर को चलाती लेकिन बेटी के पास जाकर के मैं और ये रहने की किसी के अपने पूर्वजों की इज्जत को अपने बेटे और अपनी बेटी की लिए इज्जत को क्या करना मलिया भेंट करना है मैं ऐसा किसी की हालात में नहीं चाहती हूँ। और ये मन जब बेटा छोटा था और ये बच्चे तो शरारती होते ही है बहुत बार कभी बाल खींचता था कभी कपड़े पर खींचता फाड़ भी देता कभी लात भी यानी छोटा बच्चा दो साल तीन साल का उसको इतनी समझ नहीं है और ये लात भी मार देता और वो सब कुछ सहन कर करके दे मैं क्या आगे उस बेटे को ये क्या किया बड़ा किया पढ़ाया लिखाया और योग्य हो गया और अच्छा काम धंधा वो करता है और इस बेटी को यानी बहू को भी बड़े घर की है और खानदानी परिवार पैसे वाले का बड़ा अकेला नहीं है जहाँ का आचार जहाँ का विचार जहाँ का रहन सहन जहाँ का खान पान और देश शुद्ध हो पवित्र हो ऐसे घर की बेटी को ये क्या किया देख कर के मैं लेकर के आई हूँ और ये 5 वर्ष हो गए उसके शादी के और नौजवानी है और ये कुछ पढ़ी लिखी है और बड़े घर समृद्ध संपन्न परिवार की शायद वो अभी इतनी समझदारी नहीं आई नादानी है 5 साल की बच्ची है और ये उसकी देखभाल को सहन करना या सुनना कि मेरा कर्तव्य बनता है मेरा फर्ज बनता है और उसके आधार पर अपने आनंद के साथ अपने जीवन को आगे बढ़ा रही हूँ कहीं कोई गिला नहीं है कहीं कोई शिकायत नहीं और कहीं कोई किसी की तरह के और ये मलाल नहीं है शांति पूर्वक और ये पुराना सा कमरा मुझे मिला हुआ है और ये 4-6 घंटे में यहाँ पर आराम कर लेती हूँ और घर का पूरा अपना काम मैं संभाल लेती हूँ और ये किसी गवार की कहीं कोई कमी है नहीं ठीक ठाक है। माँ और बेटी ने ये बात चली रही थी उनको आवाज नहीं था उनको पता नहीं था कि पड़ोस माने साथ वाले कमरे में और भाभी यानी बहू वो सारी की सारी माँ और बेटी की जो आपस में हुई हुई बातों को जो क्या कर रही है और जो सुन रही है वो सारी बात
पूछते हैं और इस मकसद से, इस भावना से कि और एक बेटी आई है तो बेटी के सामने और यह है और मेरे साथ ऐसा व्यवहार और कुछ न कुछ शिकायत और बेटी के सामने माँ शिकायत करेगी, ये कहेगी वो कहेगी, सुनने के लिए कान लगा कर के पड़ोस के कमरे में बहू बैठी हुई थी। जब उसने कहा कि 5 साल की बच्ची है और देख, मैंने देख करके समझ करके अच्छे खानदानी परिवार की बेटी को मैं इस घर में बहू के रूप में लेकर के आई हूँ और ये आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों समझ जाएगी। और ये शब्द क्या सुना और ये उस पड़ोस की कमरे से, उस कमरे में जो पर्दे सीलन भरा हुआ, शायद पहली बार उसने उस कमरे में कदम रखा था, वो कमरे में जहाँ पर और ये माँ बेटी बैठी थी, चर्चा बात चल रही थी, उस कमरे में कदम उसने रख लिया। मन ये दोनों को लगा शायद अब बम फट जाएगा, लेकिन ये सब शब्द सुनने के बाद आइए और सबसे पहले आकर की दी क्या होती है और ये सास के चरणों में अपने मस्तक को झुका करके रोने लगती है। माँ कैसी होती है, माँ का दिल कितना विशाल होता है, माँ कितना पृथ्वी की तरह कितनी सहनशील होती है। मैं एक नौकरानी की तरह और एक माँ के साथ वार्तालाप किया, लेकिन और एक शब्द शिकायत का नहीं और एक इतना प्यार, इतना वात्सल्य है। माँ मैं नादान हूँ, मैं मूर्ख हूँ, पढ़ी लिखी मूर्ख हूँ और ये मुझे गर्व अहंकार, मैं नौजवान, मैं सुंदर, मैं पढ़ी लिखी, मैं बड़े घर की बेटी, समृद्ध संपन्न, लेकिन एक बड़े घर पैसे से समृद्ध नहीं होता है, केवल रूप और सौंदर्य से समृद्ध नहीं होता है, माँ का दिल कैसा होता है, माँ का हृदय कितना विशाल होता है, माँ कितना क्षमाशील होती है। आज मुझे पता चला जब मैं घर में थी, जन्म देने वाली माता और जब मेरे से कहीं कोई गलती होती, नाराज होकर के कई बार थप्पड़ की मारती, बाल की नोट लेती, कई बार बेलन लेकर के मेरी धुनाई है, जन्म देने वाली माँ तो इस तरह से, लेकिन और ये माँ और ये इनका माँ का दिल कितना विशाल, कितना व्यापक हो गई है। माँ मुझे क्षमा कर दो, मैं आपसे क्षमा याचना कर रही हूँ। तो माँ ने और उसको मानी छाती से लगाया, गले से लगाया और दे अपने साड़ी के पल्ले से उसकी आंखों से आंसू पोछा। बेटा और ये पति तुम बेटा हो और ये ऐसी कोई भाव मेरे मन के अंदर नहीं है और बहुत खुशी की बात, बहुत अच्छी बात था और ये आज क्षमा याचना करने के लिए आई हो। और बेटी को कहा कि बेटा देख, और ये मैंने पहले कहा था ना, 5 साल की बच्ची है, अभी इतनी समझ नहीं है, आगे जाकर के समझ आ जाएगी और ये व्यापक और तौर से आगे बढ़ेगी, क्योंकि खानदानी परिवार के बच्चे कभी भी और ये और गलत मार्ग पर नहीं चलते है। अगर मान लो और कुछ बात हो जाए, गलती भी हो जाए, सुबह का भुला हुआ अगर शाम को घर आ जाए हुआ नहीं कहा जा सकता है, तो मतलब ये कहने का और कहना, सहना, रहना, जीवन कैसे जीना है, कब कहां किन शब्दों का उच्चारण करना है और कहना सहना और दे कहां किन बातों को किस तरह से उसको सहन कर करके चलना है और किस ढंग से रहना है, इन बातों के बारे में अगर हम जान जाए, समझ जाए। पहले जमाने में पढ़े लिखे नहीं थे, बहनों में तो पढ़ाई का बहुत ही कम था और ये इतना था नहीं, लेकिन आपसी प्यार बहुत बढ़िया।
एक दूसरे का आदर सम्मान शास्त्र और जरूरी है और बड़ा आदर बड़ा सम्मान के साथ उनका जीवन चलता। आज पढ़े लिखे हैं एक दिन के अंदर भरा हुआ उन मूर्तों में और इन प्राण में क्या फर्क रहा, तो हम ऋषियों के देश में मुनियों के देश में राम कृष्णा महावीर बुद्ध उनके अनुयायी उनके देश में हम रहने वाले, तो हमें अपने जीवन को कैसे जीना है और उसे समझ करके हमें आगे बढ़ना है। 2007 हमारा चतुर्मास नासिक होना निश्चित हो गया था। दिल्ली का पर्यंत नगर का चतुर्मास पूरा करने के बाद हम महाराष्ट्र के लिए आगे बढ़ रहे थे। महाराष्ट्र के बॉर्डर के पास एक नरडाना नाम का एक कस्बा आता है, वो नरडाना में हम पहुंच गए थे। जलगांव डिस्ट्रिक्ट का यानी महाराष्ट्र के जलगांव डिस्ट्रिक्ट का एक युवा साथी, जब हमने उस पारोला गांव में होली चतुर्मास किया हुआ था, परिचय था और देव गुरु जी महाराज जी आ रहे हैं पता चला, तो दर्शन के मकसद से वो भाई वहां पर आया हुआ था नरनाना में और यह अपनी बात को रखने लगा कि यह गुरुदेव पत्नी में और माँ में टकराव इतना इतना अधिक हो गया, इतना अधिक हो गया, मेरा तो सिर फटने को, और ये मेरी माँ है, जन्म देने वाली माँ है, अनंत अनंत उपकार इस माँ का है, और दूसरा मेरे लिए सब सब कुछ सर्वस्व समझ करके और ये आई हुई पत्नी है उसके पति की मेरा दायित्व बनता है, मैं अगर माँ का पक्ष लेता हूँ पत्नी नाराज, अगर पत्नी का पक्ष लेता हूँ और जिस बेटे को जन्म दिया जिस बेटे के पालन पोषण में मैंने क्या नहीं किया, किन किन कष्टों को मैंने झेला नहीं, आज जोरू का गुलाम हो जाते हैं इसी तरह से मेरा दिल और पीस रहा। और कभी कभी तो ऐसा ऐसी जिंदगी इतना टेंशन इतने परेशानी में जीने की अपेक्षा तो आत्महत्या ही कर लिया जाए गुरुदेव, कभी कभी तो ऐसे भी भाव आते हैं, मैं बहुत परेशान बहुत दुखी, पत्नी को समझाए वो समझने को तैयार नहीं, माँ को समझाए और वो समझने को तैयार नहीं, टेंशन ही टेंशन ऐसी स्थिति थी। एक दिन मैं माँ के पास गया, माँ के चरणों में वंदन नमस्कार कर करके माँ की प्रार्थना लेकर के आपके चरणों में आया। हाँ बेटा बोलो क्या प्रार्थना लाए हो, और आप ये रसोई का काम छोड़ दी, चूल्हा चौका जो करना है जो बनाना है जो करना है और उसको ही सौंप दो, वो जो करना है कर ले और जो टाइम रसोई आदि में वहां पर आपको लगता था एक समाई करती है दो कर लीजिए तीन कर लीजिए, ये कमाई का सीजन है आत्मा की कमाई का सीजन है और जो करना है उसके बच्चों को जो खिलाना है जो करना पते वो जो बना के देगी मैं भी खाऊंगा आप भी खाओगे, कि आप अच्छा बेटा तुम्हारा ऐसा सुझाव है चलो आज से मैं रसोई में प्रवेश नहीं करती हूँ। ठीक है माँ ने समाई बढ़ा दिया तीन समाई चार समाई करने लग गई और ये धीरे धीरे आपसी क्लेश क्या हो गया शांत हो गया, अब रसोई वगैरह को पूरा का पूरा संभाल लेती है और बस वक्त की बात समझ लो, हमारे घर में हमारी पुण्यवाणी का उदय था और मुझे ये बात सूझ गई और मेरी बात को माने सहर्षा और ये पानी दिया सहर्षा उसको स्वीकार किया, उसके कारण मेरे घर के अंदर शांति का अमन चैन का वातावरण था। हमारी माताओं को हमारी बहनों को कहना है कि मान लो 55-60 साल की उम्र अगर हो गई और अभी शरीर अनुकूलता है और यह आप धर्म ध्यान को अधिक बढ़ाएंगे और एक समाई करती है दो समाई की तरफ बढ़िए तीन समाई की तरफ बढ़िए, एक सुबह करती है शाम को भी करिए, दोपहर के समय सोने में टाइम होने की अपेक्षा या टीवी आदि में मोबाइल आदि में टाइम होने की अपेक्षा और यह क्या कीजिए
प्रथम स्वाध्याय की तरफ कोई अच्छी धर्मी किताब पढ़ने की तरफ पढ़िए। और ये हमारी बहनों को, नवयुवती बहनों को हमारा कहना है कि सीता साथी का जीवन कैसे कैसे उन्होंने अपने धर्म की रक्षा के लिए कैसा वो जीवन दिया था, और इतना टाइम मोबाइल में कितनी क्लब के अंदर इसमें वहां पर यहां वहां और एक बाजार में गए मैचिंग के उसमें खरीदी के अंदर यहां वहां और इसमें नहीं। इतना सुंदर मौका जिनेंद्र परमात्मा की वाणी और ये आज सुबुद्धि अनुकूलता घर में नौकर है और चाकर है और ये पुरानी जमाने की तरह और कच्चा मकान भी नहीं है गोबर से जो और ये हमारी पुरानी बुजुर्ग माताएं लिखा करती थी दूर दराज जाकर के पानी धोकर के लेकर के आया करती थी और सब कुछ अपने हाथ से। आज इतनी सुविधाएं कपड़े धोने के लिए भी घर में वॉशिंग मशीन और ये चटनी कूटने के लिए भी और क्या क्या कितने साधन इतना होने के बावजूद भी अगर हम पूछते हैं समय करते हैं है महाराज टाइम ही नहीं है। खुद को धोखा मत तेरे बंदे अच्छे ना होते परिवार के बंदे ये जो बहाना बनाया जाता है टाइम नहीं मिलता है कि अपनी आत्मा के साथ अपने को धोखा देने की बात है। इतना सुंदर जो मौका मिला है हमारे उसी में बैठे ही इधर के भाई या नौजवान युवा साथियों से हमारा कहना है जहाँ तक अगर आपकी घुटने की लाचारी नहीं है आपकी कमर की लाचारी नहीं है और ये आगे से भूल करके भी कुर्सी का उपयोग करने का प्रयत्न न कीजिए और ये सामने बैठी है और ये जितना विनम्रता से हम पेश आते हैं उतनी है और ये क्या होगी वो बात हमारे गले को उतराएगी और ये तो कुर्सियां तो क्या है लाचारी का और परिणाम हो और ये आप तो टाइम पर आते हैं आम के आम गुटली के नाम दोनों काम सामायिक की सामायिक हो जाएगी प्रवचन का प्रवचन होगा और सामायिक लेने का मतलब सावजम जोगम कटखानी यानी कि सावत्य पाप कारी दो प्राणाति पाप जी हिंसा नहीं झूठ नहीं चोरी नहीं अपर्म नहीं आसक्ति नहीं क्रोध मान माया लोभ और राग द्वेष की प्रवृत्ति नहीं 18 के 18 पापों का उस समय विसर्जन किया जाता है। ऐसा सुंदर ऐसा बढ़िया मौका मिला है उसका भरपूर लाभ उठा करके आगे बढ़िएगा और ये महामंत्र नवकार का अखंड जाप यानी 12 घंटे का जाप चल रहा है प्रयत्न कीजिए और उस जाप में भाग लेने का। और बहुत बार ऐसा देखने में आता है कोई समृद्ध संपन्न मालदार पैसे वाला है और जो है वो गोदाम का शरबत पिलाने लग जाए और ये खिलाने वो इनाम देने लग जाए और जो सामान्य परिवार के भी होते हैं वो भी जाप कराना चाहते हैं और ये तुलनात्मक करें कल उसके घर में ऐसा था मेरे यहाँ पर तो ऐसी भावना ना आए सबके सब एक रंग चाहे वो करोड़पति अरबपति अगर जो है और ये ऐसे पैसे वाले हैं तो दान पात्र में और अच्छे काम के अंदर और उसको खर्च करने में लगाए लेकिन केवल अपने अहंकार के प्रदर्शन में इनको उसको खिलाने हैं और उन बातों में न हो सके उस आधार पर और देखकर और जैसे सारी बात होने के बाद ये सारी निर्णय पर आपके सामने बतला दिया जाएगा घरों में कराना हो या यहाँ पर कराना हो और देख बहनों के नाम आईमेल में नहीं आ रहे ऐसा पता चला है। अब जैसे अलग जगाने के लिए पहले मैं घर घर गया था बेले बेले में नाम दे रहे तो आईमेल में क्यों नहीं देंगे मुझे विश्वास है जरूर दिखाएंगे और ये कि दिन के तीन तीन चार चार नाम भी मेहनत मुझे करना पड़ेगा घर घर में जाऊंगा तो जरूर और मुझे विश्वास है हमारी बहने नाम लिखाएंगे भाइयों के कुछ नाम तो यहाँ पर जब दर्शन के लिए आए थे विकास की महामंत्री को खड़ा कराया था और ये कुछ नाम और बाकी है लिखना तो हमारे विज्ञान मुनि जी महाराज गए थे तो उन्होंने 20 आईमेल बहनों के लिए है तारीख
तारीख सही था तो इधर मंत्री जी को दे देना, वो लिस्ट तैयार करेंगे। बहुत अच्छी बात है और उस आधार पर अभी बहुत अच्छा मौका मिला हुआ है, आपको मन बनाइए। और मैंने हमने मैंने परसों और युवा साथी को मित्र मंडल के और युवकों को बुलाया था और उनको प्रेरणा किया कि भाई और कुछ नहीं, मैं आपको कोई फोर्स नहीं करता हूँ, आप एक काम करो, रात्रि को 9 बजे केवल 15 मिनट का टाइम मुझे दे दो। और अगर आज 15 मिनट और 15 मिनट परसों 15 मिनट ऐसा आप अगर आओगे कुछ न कुछ लोग से का पाठ, 24 तीर्थंकर भगवान की स्तुति, नवोत्थान का पाठ, अरिहंत सिद्ध भगवान की स्तुति आदि आदि और समय के पाठ आपके याद हो जाएंगे। और उस तरह से कल काफी युवक आए थे और युवकों को भी और भाइयों को भी कहना है, रात्रि के समय 9 बजे का टाइम आपको दिया जा रहा है और कोई धर्म चर्चा या प्रश्न आदि कर्म प्रकृति हो, 25 बोल हो, 33 बोल हो, गतावती हो और गुणस्थान आदि आदि मिला ही मौका तो जरूर यहाँ वहाँ इतना टाइम होने की जगह पर टाइम निकाल करके और कुछ न कुछ सीखने का। अगर यह टाइम दोपहर के समय निकालना नहीं हो पाता है, अगर मान लो 10 से 11 बजे के बीच में अगर यहाँ पर रह करके पाठ याद नहीं कर सकते हैं तो आए पाठ ले लिया, जो पाठ याद किया हुआ है उसको सुनाया और नया पाठ लेकर के गए, घर नहीं बैठ कर के पाठ याद कर लिया, ऐसा भी हो सकता है। जो समझना है और वो भी कुछ बहनों की तरफ से बात थी कि गुरुदेव 25 क्रियाओं के बारे में जानकारी देनी है, तो 25 क्रिया की जानकारी कौन कौन बहने लेना चाहती हैं आप टाइम फिक्स कर लीजिए और सबको सूचना दे दीजिए। हम उस बारे में भी जानकारी, अगर पूरा 25 क्रिया के बारे में आपको जानकारी होगी तो आपको आपका मन आया आज तक मैं मेरा समय कितना व्यर्थ में जा रहा था और ये बिना प्रत्याख्यान के कितने कर्मों का आगमन मेरी आत्मा में हो रहा था। और तो क्या, केवली बनने के बाद और केवली भगवान को भी क्रियापति क्रिया चलने की क्रियापति क्रिया उनको भी लगती है, लेकिन प्रथम समय में क्रिया लगती है, दूसरे समय में ही कुल इतने निर्मल और पावन आत्मा होने के कारण वो कर्म निर्जरित होते हैं। हमें तो जानकारी नहीं है, निरंतर कर्मों का बंधन होता रहता है तो उन कर्मों के बंधन से कैसे हम बच सकते हैं। और उसमें समय सूत्र सीखना है, प्रतिक्रमण सीखना है, झोपड़े वगैरह सीखना है, पुचिशनम का पाठ सीखना है, नमी पवज्या का पाठ सीखना है, शुक विपाक सूत्र सीखना है, जो आप सीखना चाहते हैं हम पढ़ाने के लिए सिखाने के लिए तैयार है, जरूर ब जरूर टाइम निकालिएगा। सभी भाई बहने पाठ 5 नमकार का उच्चारण, लेकिन कोई भी खुले मुंह से नहीं बोलेंगे, नमो Yes.
कल प्रश्न दिया गया था, मेरा शिष्य प्रकृति से वाच्य है विनयी है, ये वाक्य किसने किसको कहा था? और एवंत मुनिवर जो कि पात्रे को पानी में तिराते हुए देख के संतों को आशंका हो गई थी, और ऐसे नासमझ को भगवान ने दीक्षा कैसे दिया, और ये कैसा इसका जन्म मरण कितना एक मोक्ष में जाने वाले, ऐसा प्रश्न होने पर उसके उत्तर में परमात्मा ने कहा था ये प्रकृति से बद्ध है, विनीत है, और इसी जन्म से ये मोक्ष जाने वाली आत्मा है, और यह इनकी सेवा करो और इनकी आसाधना न करो, ऐसे भाव परमात्मा ने कहा था तो केवलता मणि के बारे में। और कल जो प्रश्न दिए गए थे उसमें 40 भाई बहनों के पर्चे आए हैं, उनमें से दो गलत हैं, 38 सही है, और 38 में से हाँ जी संजय भैया आपके पेज नंबर भी लिखना जरूरी है, इस हिसाब से वो गलत में लिया गया है। मोना संजीव जैन, मोना संजीव जैन, सलोनी जैन, मोना जैन, हाँ आज का प्रश्न, हाँ अखंड ब्रह्मचर्य के पालन से क्या लाभ, अखंड ब्रह्मचर्य के पालन से क्या लाभ, पेज नंबर 50 से 150 उसके बीच में पढ़ करके उत्तर मिलेगा और देखिएगा। अखंड ब्रह्मचर्य के पालन से बहुत कुछ जानकारी की बातें हैं किताब में, केवल उत्तर ढूंढने की तरफ न जाते हुए और पढ़ करके समझने का प्रयत्न करेंगे। आज के एकासने व्यासने का प्रत्याख्यान, आज के एकासने व्यासने का पठान, जिनका एकासना व्यासना हो उसने का पठान आज के साइकिल का प्रत्याख्यान आज के उपवास का एक उपवास, आज का उपवास, आज का दो उपवन, आज का उपवन उपेश्वरी अवतम लिखानी सब भाई को। आज का बेला दो उपवास, आज का बेला, आज का तेला तीन उपवास, चार आज का चौदह, पांच उपवास की है आज का, आज का पांच, बहन का क्या नाम, नाम लिख लेना, हाँ मंत्री नाम और रूपा, रूपा रूपा श्रीमान का नाम, हाँ, और पांच उपवास करने वाली बहन रूपा मनीष जी जैन को धन्यवाद, श्रम और परिवार का शान बढ़ाने वाली बहन रूपा जी को धन्यवाद, आगे के भाव रखने वाले एक और बहन की तपस्या चल रही है, वो कहती अभी है धन्यवाद।